अब झारखंड में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों से जेएमएम और कांग्रेस काफी गदगद हैं, क्योंकि सूबे में बीजेपी के विजयी रथ को झारखंड में भी विपक्षी गठबंधन ने रोक दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि इन परिणाम का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्या बिहार में भी बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ेगी। ऐसे तमाम सवालों के बीच अब बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां सियासी दलों ने अभी से शुरू कर दी हैं। हर दल जीत के लिए अपनी रणनीतियों को धार दे रहा है, साथ ही पोस्टर्स के जरिए भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तर्क बयानबाजी देखने को मिल रही है। तो वहीं अब झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल झारखंड में कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी के महागठबंधन ने जीत का परचम लहरा दिया है और रघुवर सरकार की विदाई हो गई है, जिसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेताओं ने जीत का श्रेय भी दिया। वहीं इस जीत से गदगद बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बयान देकर राज्य में भी सियासी हलचल बढ़ा दी है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने इशारों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। सदानंद सिंह ने कहा है कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ वातावरण बनने लगा है, ऐसे में जरूरत है कि साल 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो। नीतीश कुमार की तरफ इशारा करते हुए सदानंद सिंह ने कहा कि सभी को एकजुट होना होगा, नहीं तो अस्तित्व मुश्किल में आ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के नतीजों ने बीजेपी के अहंकार को खत्म कर दिया है, इसका सीधा असर देश की राजनीति के साथ पड़ोसी राज्य बिहार पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि इन नतीजों से देश की जनता खुश है, यानी बिहार में भी बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए अभी से मोर्चा बंदी शुरू हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।